Hello guys, welcome to my channel Indian Vlog. So guys, मैं एक छोटी सी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ. मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक गोरिल्ला पॉट की, जिसकी की बहुत बड़ी डिमांड है. जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप एक व्लॉगर हैं तो आपको पता होगा कि कैमरा, जो कैमरे के नीचे से जो पॉट लगता है जिसको गोरिल्ला पॉट बोलते हैं, वो काफ़ी पॉपुलर है. सो गाइज, मैं आज उसी गोरिल्ला पॉट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ. सो गाइज, ये है गोरिल्ला पॉट. आप जैसे कि देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से होता है. आपने देखा होगा कैसे नाइस्टेट इसको यूज़ करता है. मैं उसी का नाम लूँगा क्योंकि ज़्यादातर जो ब्लॉगर हैं वो उसके फ़ैन हैं, इसलिए मैं उसी का नाम लेना चाहूँगा. और ये देख सकते हैं आप गाइज, गोरिल्ला पॉट. इसमें आप कोई सा भी DSLR कैमरा फिट कर सकते हैं इस तरह से. ये देखिए. सो गाइज, इस तरह से आप कोई सा भी DSLR कैमरा आप फिट कर सकते हैं. थोड़ा ब्राइटनेस अब सही है. ओके, सो गाइज, ये है गोरिल्ला पॉट. तो मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है और इसका मटेरियल कैसा है. Let's go. Okay. So guys, ये है जिसको कैसे नाइस्टेड यूज करता है. So guys, ये देखिए, ये है गोरिल्ला पॉट. तो ये कुछ इस तरह से है और इसकी सबसे ज्यादा स्पेशलिटी जो है वो है बैंड. सो गाइस, इसको आप किसी भी तरह से बैंड कर सकते हैं. और जो इसका DSLR को पकड़ने का तरीका है, आपको पता होगा, ये इस तरह से है. यहाँ पे आपका DSLR कैमरा फिट हो जाएगा और आप इस तरह से, मतलब इस तरह से पकड़ के व्लॉगिंग कर सकते हैं. तो गाइस, ये कुछ इस तरह से है और इसको आप किसी भी तरफ को बैंड कर सकते हैं. कहीं पर भी आपको, जैसे अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो आपको एक ट्रिपॉड की जरूरत पड़ेगी उसको खड़ा, जमीन पे इसको रखेंगे तो जमीन में कहीं भी खड़ा कर सकते हैं. अगर ऐसे अगर खड़ा कर आप जो है वो ऊपर की तरफ आएंगे, कैमरा को जो है ऊपर की तरफ फोकस करना पड़ेगा. सो गाइस, इसको आप उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमको इसको अपने पैरेलल पे रखना पड़ता है. सो गाइस, किसी पेड़ पे आप इसको इस तरह से डाल सकते हैं और एक ब्रांडेड ट्रिपॉड है उसको फोल्ड कर सकते हैं. मतलब आप समझ ही गए होंगे. इसका नाम है गोरिल्ला पॉट, बट इसका जो ब्रांड है जॉबी ब्रांड का जो है ये ट्रिपॉड है, गोरिल्ला ट्रिपॉड. और ये काफी फेमस है और जैसे कि आप देख सकते हैं, ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा है. और बट छोटा होने के बावजूद भी इसका जो मटेरियल है वो काफी हार्ड है. उसके कारण आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप कम से कम तीन किलो का जो DSLR है, कोई सा भी कैमरा 3 किलो तक, उसको आप यूज़ कर सकते हैं. सो गाइस, ये इस तरह से काम करता है. और इसमें आप देख सकते हैं, ये आपको जो दिख रहा होगा, ये गाइस है बैलेंसिंग का. जब आप इसको जमीन पर पैरेलल तक सीधा करते हैं ना, तब तक ये जो हवा है ये बीच में ना हो जाए, काफ़ी हार्ड है. गाइज, बिल्कुल कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. गाइज, मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ अपने ब्लॉग में और कोशिश करता हूँ कि गाइज आपका सपोर्ट ही है सब कुछ, जिसके आप लोग को दे सकते हैं जो मैं अपना ब्लॉगिंग बनाता हूँ. क्योंकि कई रीजंस होते हैं जिसमें इंसान जो है अपने आप को हार मान जाता है. मतलब काफ़ी मुश्किल होता है वीडियो बनाना भी. गाइज, अगर आप एक व्लॉगर हैं तो आपको पता होगा कितना मुश्किल होता है. और अगर आप सिर्फ YouTube चैनल्स देखते हैं तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा. गाइस, काफ़ी हार्ड होता है वीडियो बनाना, एडिटिंग करना और ऑडियंस को कन्विंस करना कि वो आपको सब्सक्राइब करे. सो गाइस, जो भी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बिल्कुल करिए. अगर